our new chapter is that is motion and its type. So what do you mean by motion? Motion means a body which change its position. कोई भी body अपनी position को change करती है तो हम कहेंगे वो body motion कर रही है. Now अब हम बात करते हैं motion कितने types के होते हैं. So basically motion are three types. Number one translational motion. Number one translational motion जिसमें कि ऐसा motion जब कोई body मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन और स्लाइटली कर्व डायरेक्शन तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है. यानी कि जब भी कोई बॉडी सीधी लाइन में या थोड़ी बहुत कर्व में चल रही है मूव कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है. अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन में तो नाम से ही पता लग रहा है जब कोई बॉडी अपनी पर्टिकुलर एक्सिस पर मूव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल फैन हो गया, टॉप हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. नाउ थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन. ऐसा मूवमेंट बॉडी का जिसमें कोई सबस्टेंस एक ही पाथ को फॉलो करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे. तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. या फिर आपने देखा होगा पेंडुलम या फिर जो सिलाई वाली मशीन होती है ऊपर नीचे या फिर आप देखोगे झूला ऐसे जाता. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच चली गई जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. Whereas displacement एक sorted distance होती between the initial and final position के बीच में जो सबसे छोटी distance होती that is called displacement. For example अगर हम देखते हैं figure को so basically ये figure आप देखेंगे from A to B आप देखेंगे distance कितनी है 4 एंड फ्रॉम बी टू सी डिस्टेंस क्या है 3. फ्रॉम सी टू ए डिस्टेंस कितनी 5. तो अगर आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितना हो जाए 4, 3, 7, 5, 12. या फिर अगर हम केवल ए बी और बी सी की बात करेंगे तो ए बी 4 है, बी सी 3 है तो टोटल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. जबकि ए सी की बात करेंगे जिस पॉइंट से शुरू किया है अगर उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यानी कि एसी दैट इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट. सो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था और इस पॉइंट को जब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जोड़ा तो वो कितना निकला 5 मीटर. सो 5 मीटर इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. सो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट जो होगा कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है. गैलीलियो पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेलोसिटी को मेजर किया इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम. वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 2970 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन से दैट एक सेकेंड में हमारी जो अर्थ होती है वो 2970 मीटर रिवॉल्व कर लेती है. नाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिट टाइम पर तो हम कहेंगे स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड इन सीजीएस सिस्टम. सॉरी इन सीजीएस यूनिट इसका यूनिट क्या होता है सीएम पर सेकेंड. जबकि वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. एक गिवन डायरेक्शन में एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर द सेम. आप देखेंगे वेलोसिटी की यूनिट और स्पीड की यूनिट क्या होती है सेम होती, क्या होती है मीटर पर सेकेंड. बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेर एज
वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जो स्पीड का होता है और वेलोसिटी का होता है वो सेम होता है अगर उनकी मोशन और वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो कुछ चेंजमेंट आ सकता है। अब बात करते हैं मोशन दो टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के आधार पर मोशन दो प्रकार के, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन और लीनियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर को ट्रेवल कर रहा है 30 सेकेंड तो हम कहेंगे इट विल कवर सेम डिस्टेंस इन नेक्स्ट 30 सेकेंड और अगले 30 सेकेंड तक उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उसने पहले 30 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने व्हीकल को चलाई होगी भीड़ भरी गलियों में तो आप देखेंगे आप भीड़ में आप गाड़ी चलाएंगे और खाली रोड पर गाड़ी चलाएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्पीड में कुछ डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि वो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। दैट मींस सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। नाउ अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब कोई बॉडी सर्कुलरली मूव करेगा और कैसे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। अब करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं देख सी, अगर स्पीड सेम है वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr दैट मीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और टाइम। हेयर जब बॉडी रिवॉल्व कर रही है उस समय ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ मूव करती है या फिर मून जब अर्थ के चारों चक्कर लगाती है या फिर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं या फिर जब कोई व्हीकल कर्व्ड पाथ पर घुमावदार पाथ पर मूव करती है तो ऐसे वक्त में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है डिफरेंस होता है दैट मीन्स वी माइनस यू अपॉन टी दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग सीजे सिस्टम में देखेंगे तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है सीएम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बॉडी में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा जीरो यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। जब भी कभी वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज होती तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा यानी कि बढ़ेगा और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में जाएगा। नाउ हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। सो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और ये किस पर रिप्रेजेंट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी।
इन क्वांटिटी के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, एरिया, डेंसिटी, टाइम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, इसके साथ डायरेक्शन भी होती है. तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, इसके साथ डायरेक्शन भी होती है. और ये जो एरो है वो दिखाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज अ चैप्टर दैट इज मोशन एंड इट्स टाइप. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, लॉज ऑफ मोशन. सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है. जय हिंद, जय भारत.